और अब बात करते हैं कांग्रेस की एक और मुश्किल की, और ये मुश्किल है अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार खड़ा करने की। नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई है और पार्टी के लिए यहां से उम्मीदवार फाइनल करने में पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि गांधी परिवार अपनी सियासी गढ़ को बचाने के लिए चुनावी मैदान में किसी को उतारेगा या नहीं। हालांकि कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इसके लिए सोनिया गांधी ने अपने सबसे खास केएल शर्मा को रायबरेली और अमेठी भेज दिया है। वहीं गौरीगंज में पार्टी का दफ्तर रंग रोगन होकर तैयार है, लेकिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, जिस कारण वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रायबरेली और अमेठी की बारी, क्या है कांग्रेस की तैयारी? नामांकन में बचे 2 दिन, राहुल प्रियंका पर अब भी सस्पेंस। खड़गे के पाले में गेंद, उम्मीदवार का ऐलान कब? रायबरेली और अमेठी में इस बार फिर गांधी परिवार मोर्चा संभालेगा या कांग्रेस अपने घर में रणछोड़ बनेगी? अभी तक इस पर सस्पेंस से पर्दा नहीं उठ सका है। नामांकन में अब महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली पर अपने पत्ते नहीं खोल रही। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ने को कहा है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं बताया कि कौन अमेठी से चुनाव लड़ेगा और कौन रायबरेली के गढ़ को बचाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली पर CEC की मीटिंग में चर्चा हो गई है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आखिरी मुहर का इंतजार है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। CEC has empowered the Congress President to finalize the Congress candidates for Amethi and Raebareli. My expectation is that in the next 24 to 30 hours, Congress President will finalize and a decision that has been taken by him will be announced formally. Till that is done, all information, all tickers, all so-called office orders are all fake. जयराम रमेश कह रहे हैं कि फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर कब, क्योंकि अब नामांकन दाखिल करने के आखिरी 2 दिन ही बचे हैं। वही कांग्रेस पार्टी भले ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान करने से डर रही हो, लेकिन BJP अमेठी और रायबरेली पर खुलकर गांधी परिवार को चुनौती दे रही है। याद करिए, इस देश पर आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़कर के भागते हैं। आपने देखा होगा, कोविड आया था, वह इटली चले गए। देश के अंदर कहीं कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं पर फ्लड आती है, वह छोड़ करके फिर इटली भाग जाते हैं। बहन और भाइयों, जब इटली ही जाना है तो कहे चुनाव में आप यहां समय बर्बाद करते हैं, जाओ ना इटली में ही रहो। भारत के बाहर जाएंगे, भारत की निंदा करेंगे, और भारत के अंदर आएंगे तो भारत को ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे जैसे इनकी बपोती हो भारत। 3 मई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, इसलिए रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले KL शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। KL शर्मा ने बुधवार को रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की। KL शर्मा खुद चाहते हैं कि रायबरेली और अमेठी से
गांधी परिवार का सदस्य ही चुनावी मैदान में उतरे। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है, तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी मीटिंग के लिए आज मीटिंग बुलाई थी। और वर्कर उत्साहित है कि ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर में गांधी परिवार का कोई चेहरा अब तक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस का कार्यालय पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। कार्यालय कैंपस में राहुल के पोस्टर लग गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता अमेठी से ही राहुल गांधी की उम्मीदवारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी अब तक रायबरेली में अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हां, अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन करने में जुट गई हैं। लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी का चुनाव हार चुकी है, इसलिए वो उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने से डर रही है। अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ जो दगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, ये बड़े अफसोस की बात है। जिस अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ बताती थी, सत्ता में कितने लंबे समय तक रहे, लेकिन उस अमेठी और रायबरेली के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं किया। आज देखिए किस तरीके से अमेठी से उल्टे पांव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता उल्टे पांव भाग खड़े हुए वहाँ पे, अपने कांग्रेस पार्टी को वहाँ कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बार बार अपने शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो अमेठी से अपना अपने नाम की घोषणा करे। ये साफ जाहिर करता है कि अमेठी और रायबरेली का क्या मन है, क्या मत है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस का नेता, वो चाहे कोई भी, वो वहाँ से खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ उसको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अमेठी से राहुल को एक बार फिर उतार सकती है, वहीं रायबरेली से प्रियंका अपनी मां सोनिया की विरासत संभाल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब प्रियंका चुनावी मैदान में होंगी। हालांकि अब इन दोनों सीटों पर आधिकारिक ऐलान का सबको इंतजार है।